यूएस रियल स्टेट, देखिए यूएस रियल स्टेट में अभी थोड़ा सा बबल है, तो आई वोंट रिकमेंड टू बाय एनीथिंग राइट नाउ. यूएस रियल स्टेट बहुत अच्छी है, इट्स अ ग्रेट, यस, स्पेशली अगर आप न्यूयॉर्क वगैरह के जो एरियाज हैं. जैसे DHA या लाहौर में या कराची में, दे ऑलवेज बी द वैल्यू फॉर दैट. सेम वे न्यूयॉर्क की कुछ रियल स्टेट है वो हमेशा वैल्यू में होती है, इसी तरह ह्यूस्टन की कुछ रियल स्टेट है, बाकी जगहों पे भी. तो मियामी वगैरह में तो हो सकता है कि यू नो एक्सपेंशन हो रही है, लेकिन जहाँ पे एक्सपेंशन नहीं है, लैंड तो वही है ना, वो एक्सपेंड तो नहीं हो रही, तो आप वहाँ खरीदेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा. लेकिन अभी रियल स्टेट की वहाँ पे थोड़ा सा बबल है, सो वेट. अगर आप 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने वेट करें, जब प्राइस अभी 6% डाउन हुई है, लेकिन कोविड में तकरीबन वो 32-33-35% ऊपर गई थी, तो अभी भी प्राइसेस जो है ना 30% आर्टिफिशियली ऊपर है. तो मेरा ख्याल है कि करेक्शन आएगी 20% के करीब, तो कम अज कम 20% तो करेक्शन आनी चाहिए. ये मेरा एस्टिमेट गलत भी हो सकता है, ठीक है, मुझे कोई फोरसाइट नहीं है, तो नो बडी नहीं है, कोई बंदा नहीं प्रिडिक्ट कर सकता कब आएगी, कैसे आएगी, कितनी देर के लिए आएगी और कितनी देर रहेगी. लेकिन मेरा एस्टिमेट है कि अगले 6 महीने से 8 महीने के दौरान करेक्शन आएगी और वो तकरीबन 20-25% होगी और वो रहेगी को कम अज कम मेरा ख्याल है 6 या 8 महीने. तो यू विल हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम. आप एक्सपेक्ट करें कि दिसंबर के करीब, दिसंबर नहीं तो फरवरी के करीब आ जाएगी करेक्शन, एंड आई थिंक इट विल लास्ट अंटिल अक्टूबर नवंबर नेक्स्ट ईयर. दैट्स माय टाइम होराइजन, आई कुड बी रॉन्ग, डोंट कोट मी ऑन दैट. कल को मुझे ये ना कहना कि आपने ये कहा था, मैं सिर्फ अपना मेरा एस्टिमेट है, नोबडी कैन प्रेडिक्ट. ये चीजें तो फेड भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता जिनके पास मिलियंस ऑफ यू नो डॉलर्स की टेक्नोलॉजी है, तो आई हैव नो आइडिया. लेकिन मेरे ख्याल में